पत्र लिखा, व्यवस्थित लिस्ट बनो, कोई भी चीज छूट ना पाए। जी मामी। तूर दाल लिख ली ना तूने? जी मामी। काबुली चना और मटर दाल। हाँ। पोहे, शेंगदाने। आई, वो मैं वजन कम करने का सोच रही थी, तो अगर आप ओट्स भी मंगवा लेते तो। अगर कशाला आई, इस महीने खाके देख लेती ना, अगर वजन कम नहीं हुआ तो अगली बार से नहीं मंगाऊंगी। मस्त मस्त। वैसे फिजूल के लोग आ गए हैं इस घर में, वो क्या कम है? जब फिजूल की चीजें भी मंगवाएंगे, कोई जरूरत नहीं है क्या आजकल की लड़कियों को वजन कम करने का? ये क्या फितूर चढ़ा है? पत्र लिखा, तुझे कुछ चाहिए? मुझे? शर्माओ मत, कुछ चाहिए तो बोलो। बड़ी मामी, वो मैं अपने घर पे सुबह नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खाया करती थी, लेकिन यहाँ कोई कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाता तो। अरे, यहाँ नहीं खाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना मन मारोगी। कॉर्नफ्लेक्स भी लिखो। जी, लेकिन काकू मैंने भी तो। करिश्मा, तुम अपना मुकाबला पत्र लेखा के साथ करने का सोचो भी मत। अरे मंगवा लो 5-6 पैकेट, और वैनी करिश्मा के लिए भी एक आध पैकेट ओट्स मंगवा ही लो। हाँ। थांबा, ये सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो तुम दोनों? वो भवानी जी, वो बहुत दिनों से सही घर से बाहर नहीं गई ना, तो सोचा सुबह सुबह थोड़ी ताजी हवा खाकर आएंगे। मस्त मस्त। चलो तो आज हम सब भी नाश्ते में ताजी हवा ही खा लेते हैं, क्यों? घर का सारा काम छोड़कर सैर सपाटे पे जाना तुझे ज्यादा जरूरी लग रहा है? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। नहीं काकू, हम लोग ताजी हवा खाने या सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे थे, हम लोग तो कुछ बहुत जरूरी काम से जा रहे थे। चलो मौसी। ठहरो विराट, अपनी बीवी को जरा काबू में रखो, और इस घर के कायदे कानून सिखा दो इसे। बिल्कुल। अरे हम लोग आज तक खुद बिना वहनी से पूछे बिना बताए कहीं नहीं जाते, ये तो कल के आई हुई लड़की है। लेकिन इसमें मैंने गलत क्या किया? मैं तो आज तक ऐसे ही बाहर जाती हूँ। सही, तुम्हारी शादी बहुत बड़े घर में हुई है, किसी जंगल में नहीं। और इस घर के कुछ नियम है, यहाँ जंगल राज नहीं चलता। ओ ना वहनी, सही, तुम्हें जहां जाना है जाओ, कोई रोकेगा नहीं, कम से कम बता के तो जाओ। ये घर है विराट सर, कोई जेल नहीं, जहां जाने से पहले इजाजत लेना जरूरी हो। इस घर में तो जरूरी है, पर तुम्हारा हर बात पे मनमानी करना जरूरी नहीं है। अरे 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 वीरू, तू रुकना, मैं बात करती हूँ। देख सही, वीरू को तेरी फिक्र है इसलिए पूछ रहा है, तू बस बता दे कि कहां जा रही है और फिर जा। मैं हूँ ना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। और क्या, सिर्फ बताना ही तो है। अब अच्छे से बता दो कि कहाँ जा रही हो, देखो ना सबका मूड खराब हो रहा है और घर का माहौल भी खराब होगा, बता दे। हाँ बुआ जी। रहने दीजिए शिवानी मौसी, आज तक सही से कोई जिद में जीता है जो अब जीतेगा? और इसे सवाल पूछ के जवाब नहीं, कड़वे शब्द ही मिल सकते हैं। हो सकता है सही की कोई जान पहचान हो इस शहर में, जो वो हम सबको बताना नहीं चाहती हो। आपको जो सोचना है सोच सकती हैं,
लेकिन मैं कह चुकी हूँ मुझे ये बताना जरूरी नहीं लगता और मैं नहीं बताऊंगी। अपनी हद पार मत करो सई। अपनी मर्जी से दहलीज पार करना, हद पार करना कब से हो गया विराट सर? इतना ड्रामा करने के बजाय बस बता दो ना कहाँ जा रही हो, उसमें हर्जी क्या है? वरना सजा मिलेगी। बस हो गई तुम्हारी बदतमीजी। सब घर वाले पूछ रहे हैं तो बता क्यों नहीं देती कहाँ जा रही है? मैं आखिरी बार पूछ रही हूं और अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो तू कहीं भी जाने के लायक नहीं रहेगी। क्योंकि मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी डंडे से। काकू सही 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 सुनो, टांगे तोड़ दीजिए। क्या हुआ काकू? लकड़ी आपके हाथ में है, मैं आपके सामने हूं, तोड़ दीजिए टांगे। सही प्लीज। एक मिनट बुआ जी, आज मुझे लंगड़ाते लंगड़ाते भी जाना पड़ा ना तो भी मैं जाऊंगी जरूर, और तब भी आपको निराशा ही हासिल होगी क्योंकि मैं आपको नहीं बताने वाली कि मैं कहां जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ। सही प्लीज मुझे मजबूर मत करो ये बोलने पर। तुम्हारा मेरे परिवार की तरफ ऐसा ही बर्ताव रहा तो तुम्हारा इस घर में ज्यादा वक्त तक रहना मुमकिन नहीं होगा। आप ये बात मुझे पहले भी बोल चुके हैं और ये बात आप भी जानते हैं वैसे कि इस घर में मैं ज्यादा समय के लिए नहीं हूँ। सही तुम्हारा रवैया और ये हालात देख कर मुझे नहीं लगता जो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने का मैंने वादा दिया था कमल सर को ज्यादा दिन तक निभा पाऊंगा मैं। वादा आपने दिया था तो उसे निभाना ना निभाना आपके हाथ में है। मैं तो तैयार हूं जाने के लिए, इस घर से भी और आपकी जिंदगी से भी। उषा मौसी, मेरा सामान बांध दीजिए। सही, कूल डाउन। क्या हो गया है तुझे? इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, और ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला कर। नहीं बुआ जी, मैं किसी पे बोझ बन के नहीं रहना चाहती। खंडोबा, जिस घर में दिन की शुरुआत भजन और आरती से होती थी, इस लड़की के आने के बाद लड़ाई और झगड़े से होती है। विराट, तुम ये सब छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। तुम्हें ऑफिस जाना था ना एक जरूरी काम से, प्लीज तुम जाओ। ये सब तो चलता रहेगा सही का। दुनिया देखी लेकिन ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। सही, मैं सही को ऐसे अकेले जाने नहीं दे सकती, उसके लिए शहर नया है, मैं भी जा रही हूँ। ए लड़की, तुम इस दहलीज के बाहर तभी कदम रखोगी जब हमें बताओगी कि क्या है तुम्हारा वो जरूरी काम।
ठीक है, बताती हूँ सबको क्या है मेरा जरूरी काम। लेकिन वापस लौट के